चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुरदीप साहब देखिए, सवाल नेता की विश्वसनीयता का होता है, और क्या ये वो फ्रंट है जहां पर आप लोग मात खाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार जूझ रही है और परफॉर्मेंस को लेकर अपने अटकी हुई दिखाई दे रही है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब सरकारी नौकरियों का आप दम भी भर रहे हैं, और तमाम पार्टियां करेंगी, अगर चुनावी मैदान में जा रहे हैं वादे करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि नौकरियों का दम भरने के बाद भी शायद लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो? आइए देखते हैं मजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार आईना। आज की डिबेट में गुरदीप सप्पल जो कांग्रेस प्रवक्ता है, दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी प्रवक्ता है, एक दूसरे पे जिस तरह से पहले कीचड़ उछाले आज भी इस तरह से कीचड़ उछाला जाएगा। आज की डिबेट कुछ विशेष है, एमएसपी को लेकर के, किसान को लेकर के एक दूसरे को खींचातारी तीरी जिस तरह से करते हैं। आज की डिबेट में यह कहा जा रहा है कि जब बीजेपी प्रवक्ता जब झूठ बोल रहे थे तो मीडिया जो बीच बचाव में उतरती है हमेशा बीजेपी के पक्ष में, तब उनको झूठ पे नहीं रोका गया। इसी पे गुरदीप सप्पल जी कह रहे हैं कि आप पक्षपात करती हैं। पूरी डिबेट देखिएगा, आज की डिबेट कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, आप ये कहना चाहती है कि हमारे नेता की बात की विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपकी बात को मैं सच भी मानूं तो उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी सुधांशु जी ने झूठ पर झूठ बोले और आपने उनका विरोध भी नहीं किया, दूसरा पक्ष भी नहीं लिया, और ये बात आपके दर्शक तक चली गई। जैसे बोले ये कि एमएसपी पे कानून कर्नाटक तेलंगाना क्यों नहीं लाए, जबकि एमएसपी पे लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, सरकार में ये बैठे हैं, हम आएंगे, हमने बनाने का वायदा कर दिया। सुधांशु जी ने दूसरी बात बोल दी कि केरल में एमएसपी नहीं है, झूठ बोल गए। इनको मालूम ही नहीं है कि केरल में एमएसपी ना सिर्फ है बल्कि रबड़ पर भी है, मसालों पर भी है, सब्जियों पर भी है, और केरल अकेला प्रदेश है जो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी पैडी पे दे रहा है। ये बात का विरोध नहीं किया गया तो जनता को लगेगा भाई सुधांशु जी सच बोल रहे हैं। पवार जुम करो ये बोल गए कि नेहरू के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बने, उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे थे। ये बताना आप भूल गए कि ब्रिटिश टाइम पे पूरे देश में केवल 33 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 33 मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और नेहरू जी ने आते ही हर स्टेट के अंदर हर जगह पे कॉलेजेस खुलवाए। ये बोलते हैं एम्स की बात बोल जाते हैं कि आज तक किया क्या, एक एम्स था। आपने कभी इनसे पूछा नहीं कि जिस शहर में भी आप पले होंगे, अंजना जी आप जिस शहर में पैदा हुई होंगी, सुधांशु जी जहां होंगे, आपकी टीम के लोग जहां पैदा होंगे, हर शहर के अंदर एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वो किसने बनाया था? बड़े से बड़े किसी शहर में जाइए, वो नेहरू जी के टाइम पे तो बने थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये पूछेंगे नहीं, इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया, मैं इनको बता दूं, डीआरडीओ, सीएसआईआर, बार्क, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, एनपीएल, आईआईटी, आईआईएसटी, आईओएफएस, ओएनजीसी, एम्स, आईएएम, एनआईटी, बोकारो, सीडीआई, सीबीआरआई, 55 इंस्टीट्यूट बनाए। आप इसकी बात भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हमने जो कहा वो किया था। इनकी तरह नहीं, इन्होंने अभी बोल दिया कि जी हमने इंडिया को मोबाइल भी नंबर 2 पे ले आए। वायदा क्या था? वायदा था मेक इन इंडिया का, कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 17% भी थी 2014 में, हम 25% पे लेके जाएंगे। आज 13% के अंदर ले आए, 17 से 13, 13.5 के आसपास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी तो रोजगार कहां से आएगा? सच्चाई पूछिए इनसे, सच्चाई पूछेंगे तो इनकी और इनके नेता की विश्वसनीयता एक्सपोज हो जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मेक इन इंडिया कहां है आज, पूछिए इनसे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 25% मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, एक इंडस्ट्री दिखा देंगे, एक मोबाइल की फैक्ट्री खुल गई दिखा देंगे, एक यहाँ पे स्टेशन बन गया। ये पूछिए कि ये पूरे के पूरे देश के अंदर जो इंस्टीट्यूट का जाल बिछा हुआ है वो किसने बनाया था? आपने तो 10 साल में कुछ सिर्फ बेचा है ना, जो बना हुआ है वो बेच दिया, और बेच कर भी देश पे कर्जा कितना कर दिया? आज 165 लाख करोड़ हो गया कर्जा, 14 में आए थे 55 लाख करोड़ था। ये कर्जा कहाँ गया ये भी नहीं बताएंगे देश को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, आपने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, ठीक है। लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पाते हैं, और विश्वसनीयता हमसे पूछते हैं। हमने एक गरीब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, हमने गरीब देश में हर एक को पढ़ने का हक दिया था। बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर
मतलब मैंने तो खुद बोला कुछ लोग कुछ एक प्रोग्रेसिव राजा थे जिनके यहाँ होता था, गुरुदीप जी में भी होता था, गुरुदीप जी त्रावणकोर में भी था। मैं लीडरशिप पर लाना चाह रही थी सवाल को, आपने तमाम मुद्दे उठा दिए जो कि वैलिड है, लेकिन सवाल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पर है। दीदी और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें सवाल होता है उत्तर से दक्षिण तक कौन जाकर लोगों को कन्विंस कर पाए अपने अपनी तरफ रहने के लिए। अब गठबंधन, आप छोटा सा जवाब उसका दीजिएगा सुधांशु जी, जो उन्होंने कहा है मेन गठबंधन पर जवाब दीजिएगा। अब बीजेडी को भी आप अपनी तरफ ला रहे हैं। मैं दोनों बात पहले इनके बाद बताऊं। और बिहार महाराष्ट्र के गुरदीप सप्पल जी ने झूठ बोला, केरल में एपीएमसी एक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्ट नहीं है। अब दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा एमएसपी लीगल कर दीजिए, किसी भी चीज को लीगल इलीगल करना राज्य सरकार के अधिकार में है। कानूनन अपराध आप चाहें तो घोषित कर सकते हैं, हमने यूसीसी कर दिया उत्तराखंड में, हमने असम में कर दिया, आप लीगल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं लीगल इलीगल की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, एमएसपी केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी, तो एमएसपी तो केंद्र सरकार दे रही है, ढाई गुना कर रही है, लीगल क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह होता है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों को 6,000 रुपए साल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था 72,000 रुपए साल देंगे, 6,000 रुपए महीना। किसान तो सुधांशु जी आपके विरोध में खड़े हैं ना, हवाई बात है आके। सुधांशु जी किसान तो अभी विरोध कर रहे हैं ना, वो कीमतों की गारंटी का कानून मांग के अभी तो खड़े हैं ना आपके विरोध में। अंजना जी, अंजना जी, अगर किसानों को या इन दलों को रत्ती भर भी भरोसा होता कि इनकी सरकार आने की कोई संभावना है तो 90 दिन रह गए हैं सरकार बदलने में, नई सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने में, तो ये किसानों से कहते मेरे किसान भाइयों पीछे आ जाओ, अभी आएंगे और राहुल गांधी गारंटी पूरी कर देंगे। पर बात इनकी नहीं है, किसानों की पता आएगा तो मोदी ही।